तो भाई लोग कैसे हो आप सभी एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ कि कैसे तुम प्लेरियम प्ले लॉन्चर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो और उसके अंदर मैकरीना प्ले कर सकते हो। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि प्लेरियम का अपना एक ऑफिशियल लॉन्चर भी है जिसकी मदद से तुम उनके मोबाइल गेम्स को अपने पीसी या लैपटॉप पे खेल सकते हो। अब ऑब्वियसली ये लॉन्चर विंडोज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इसलिए लॉन्चर तुम्हें सारे कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर तुम अपने सिस्टम पे मैकरीना खेलते हो तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि तुम्हें कंट्रोल ज्यादा मिलेंगे। अब अगर तुम्हें ज्यादा कंट्रोल्स का एडवांटेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा गेम प्ले भी इंप्रूव हो जाएगा। अब तुम में से बहुत से लोगों के जिनके पास पीसी या लैपटॉप अवेलेबल तो है लेकिन इनको पता ही नहीं कि किस तरह हम प्लेरियम प्ले लॉन्चर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो ये वीडियो भी खास उन्हीं लोगों के लिए है। और जिनके पास एक लो एंड सिस्टम है जिसके अंदर प्लेरियम प्ले रन नहीं हो सकता, उसी सिस्टम के अंदर तुम कैसे जुगाड़ लगा के काम कर सकते हो उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो, इसलिए वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब इस गेम को कैसे इंस्टॉल करना है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए तुम भी मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना। अदरवाइज अगर तुमने कोई स्टेप मिस कर दिया तो मैं भी तुम अपनी मैकरीना आईडी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, जैसे तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तुम प्लेरियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। वैसे तुम मैन्युअली भी इसे गूगल पे सर्च करके जा सकते हो लेकिन मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो तुम्हें यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तुमने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही तुम उस पे क्लिक करोगे तुम नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर आकर तुम्हारा सेटअप ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। मैंने इसको मैनुअल किया हुआ इसलिए मुझे पूछ रहा है कि सेटअप को कहाँ पे इंस्टॉल करना है। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अरे वाह, डाउनलोड हो भी गया। और अब तुम उस फोल्डर में चले जाओ जहाँ पे तुमने सेटअप को डाउनलोड किया। तो क्विकली मैं सेटअप को रन कर देता हूँ। सो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि हमारे सामने प्लेरियम प्ले का इंस्टॉल सेटअप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले तुम यहाँ नीचे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना और जहाँ भी तुम इस लॉन्चर को इंस्टॉल करना चाहते हो उसका पाथ सिलेक्ट कर देना। अदरवाइज अगर ये तुम्हारी सी ड्राइव में इंस्टॉल हो गया तो तुम्हारी विंडोज की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको एफ में इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे तुम कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले तो ये अपनी कुछ इंपोर्टेड फाइल सर्वर से डाउनलोड करेगा, उसके बाद गेम इंस्टॉल होगा। इसलिए यहाँ पर तुम्हें 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। अब जब तक ये लॉन्चर डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि तुम्हारे पीसी या लैपटॉप में होने चाहिए इस लॉन्चर को स्मूथली रन करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो एटलीस्ट विंडोज 7 x64 बिट होनी चाहिए। प्रोसेसर तुम्हारे पास होना चाहिए इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन या फिर इससे ऊपर का कोई प्रोसेसर। स्पेस तुम्हारे पास 15 GB का होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 GB का स्पेस है तो उसमें भी काम चल जाएगा। रैम तुम्हारे पास 6 GB होनी चाहिए और ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारे पास कम से कम 1 GB का होना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे सिस्टम में इंटेल HD ग्राफिक्स है तो उसमें भी ये चल जाएगा, बस तुम्हें सेटिंग थोड़ी लो करनी पड़ेंगी। तो ये वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जो कि इस लॉन्चर के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गेम को बिल्कुल ही मैक्स सेटिंग्स पे खेलना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ 1080p में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग भी करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे सिस्टम में क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, तो अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैंने अपने चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है जिस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पे बात की है। तो अगर तुम इसी बारे में जानना चाहते हो तो मेरी वो वीडियो जाके देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास एक लो एंड पीसी या लैपटॉप है लेकिन फिर भी तुम मैकरीना को अपने सिस्टम पे खेलना चाहते हो तो इस टॉपिक पे भी तुम्हें मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने यही एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट सिस्टम के अंदर भी प्लेरियम प्ले लॉन्चर को रन कर सकते हो। तो अगर तुम जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उस वीडियो के बाद उसे भी जाके देख लेना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। 2000 years later. सो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है और अपना प्लेरियम प्ले लॉन्चर ऑटोमेटिक रन हो रहा है। तो जैसे प्लेरियम प्ले लॉन्चर तुम्हारे सिस्टम पे ओपन हो जाएगा तुम सबसे पहले यहाँ पे नीचे लॉगिन पे क्लिक कर लेना और इधर अपना अकाउंट रजिस्टर कर देना और यहाँ पे तुमने अपना वही अकाउंट डालना जो तुम्हारी मैकरीना के अंदर भी लॉगिन है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ। आगे तुमसे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड देके तुमने सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ मेरी मास्टर चीफ नाम से आईडी ओपन हो चुकी है और यहाँ पर तुम्हें टॉप राइट कॉर्नर में मैकरीना का लोगो दिख रहा होगा। तुमने सिंपली यहाँ पर व्यू गेम पेज पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मैकरीना का इंस्टॉलर पेज ओपन हो जाएगा और तुमने यहाँ से मैकरीना को इंस्टॉल कर देना। और अगर तुम चाहो तो इस गेम का डेडिकेटेड पाथ भी चूज कर सकते हो। मैं इसको वहीं रहने देता हूँ जहाँ पे मैंने अपना लॉन्चर इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर अपना गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद तुम्हें पता ही है तुमने सिंपली यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना और मैकरीना गेम रन हो जाएगी। तो मैं तुम लोगों से सीधा अपनी गेम के अंदर ही मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पर अपना गेम सक्सेसफुली रन हो चुका है और सबसे पहले तुम यहाँ पर अपनी गेम की सेटिंग के अंदर जाकर अपने पीसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ग्राफिक्स FPS और रेजोल्यूशन वगैरह सिलेक्ट कर लेना। मैं इसको फुल पे रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास GPU थोड़ा अच्छा है और मैं तुम्हें इसका छोटा सा डेमो भी दे देता हूँ। तो ये रहा अपना गियर हब, इस पे क्लिक करके अपना गियर हब ओपन हो जाएगा। ये वाले अपने मैक्स का सेक्शन है और ये वाले अपने वेपन्स का सेक्शन है और वो अपनी इन्वेंटरी वाला टैब। मतलब जैसी मैकरीना तुम अपने मोबाइल में देखते हो सेम एज इट इज वैसे ही मैकरीना तुम्हें अपने प्लेरियम प्ले लॉन्चर के अंदर भी मिलेगी। बस फर्क इतना कि इसके अंदर कंट्रोल्स थोड़े ज्यादा हैं और अगर तुम चाहो तो कंट्रोल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो जैसा तुम्हें ठीक लगे। नहीं
सो हाँ गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन सी यू।